आदमखोर पैंथर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने को लेकर कवायद तेज हो गई है। पैंथर को आज फिर पकड़ने की कोशिश की जाएगी। अलवर में मीडिया से बातचीत करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पुलिस, वन विभाग और ग्रामीणों के सहयोग से उसे पारंपरिक तरीके से पकड़ने के प्रयास किए गए। चारों तरफ से ढोल बजाकर उसे एक जगह लाने के प्रयास किए गए, लेकिन वो एक जगह नहीं आया और वहां से बचकर निकल गया। एक बार फिर पकड़ने की कोशिश की जाएगी, अगर वो पकड़ में नहीं आता है तो उसको गोली मार दी जाएगी। आदमखोर को पकड़ने के लिए आर्मी की टीम पहुंची है। राठौड़ों का गुड़ा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। यहां ड्रोन कैमरे से पैंथर पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं वन विभाग के साथ रेंजर और 80 जवान तैनात हैं। आदमखोर को पकड़ने के लिए 3 पिंजरे लगाए गए हैं। मंगलवार सुबह पैंथर ने एक महिला का शिकार कर लिया। गोगुंदा इलाके में ही 13 दिन में पैंथर ने 7वां शिकार किया, जिससे अब ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है और उसने कमला कुंवर नाम की युवती को शिकार बना लिया है। इससे गांव वालों में दहशत का माहौल है। तो वहीं बीते दिन एक पुजारी का भी पैंथर ने शिकार किया था और पैंथर का आतंक इतना बढ़ रहा है कि अब वो घर में घुसकर भी शिकार करने लगा है। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे केलवो का खेड़ा गांव में कमला कंवर नाम की महिला अपने घर के आंगन में पशुओं को चारा डाल रही थी। उसी दौरान लेपर्ड ने झपट्टा मारा और गले पर गहरा घाव कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, हमारे सभी डीएफओ साहब की मीटिंग में निर्णय लिया गया और वो निर्णय लागू भी हो गया है। उसको शूट एट द साइट का निर्णय हमने दिया है। कल पुलिस विभाग और वन विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया गया था ग्रामीणों के सहयोग से, और एक पारंपरिक तरीका है कि उसमें ढोल बजा के उसको एक जगह लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो वहाँ से निकल गया। और आज भी पूरा विभाग, पुलिस प्रशासन और वन विभाग लगा हुआ है, और पहला प्रयास आज भी हमारा ये रहेगा कि उसको जीवित पकड़ें, और परिस्थिति विपरीत दिखी तो उसको ऑर्डर हमने दे चुके हैं, गोली मार दी जाएगी। मेरा ये मानना है कि वन्य क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से वन्य जीवों का वो घर है और अतिक्रमण होते जा रहे हैं, और वन्य जीव अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आने लगे हैं। दूसरा जो मुझे जानकारी आई, वहाँ पैंथर हैबिटेट बहुत ज़्यादा है, पैंथर बहुत हैं, लेकिन मनुष्य का दखल भी पूरा है, और किन परिस्थिति में हुआ वो तो जाँच का विषय है, लेकिन उसको मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमको परिणाम दिखेंगे। जो हमारे टाइगर हैबिटेट्स हैं, जहां ग्रामवासी वहां बसे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में तो उनको विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन विस्थापन को लेकर के जो पैकेज था उसको लेकर थोड़ी उनमें वो थी कि हम नहीं जा पाएंगे। उसके ऊपर भी सरकार पुनर्निर्धारण कर रही है, और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं या नेशनल पार्क्स हैं, उसमें जो ग्रामीण बसे हुए हैं उनको उचित मुआवजा दे करके वहाँ से विस्थापित किया जाएगा।